हेलो यूट्यूब, आज आपको मैं दिखा रहा हूँ मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट, जो ये 2017 वर्जन है। पजेरो स्पोर्ट इंडिया में लॉन्च हुई थी अराउंड 2012 में, और अभी तक कोई खास ऐसा अपडेट नहीं आया था, बट स्टिल ये इसके अलॉय व्हील्स जो मुझे काफ़ी बेहतर लगते हैं। एंड इसमें एक बीच में अपडेट आया जो ऑटोमेटिक वेरियंट का था। आज लकी वाली बात है कि आज आपको मैं ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों वेरियंट्स दिखा रहा हूँ। इसका जो फ्रंट का डिज़ाइन है काफ़ी बोल्ड लुक देता है, एंड इसकी ग्रिल्स भी काफ़ी अच्छी हैं। एंड वन मोर थिंग, जो इसका जो फ्रंट डिज़ाइन है वो एक इंटरनेशनल मार्केट में एक पिकअप से बड़ा मैच करता है, जो मित्सुबिशी की आती है। आई थिंक उसका मुझे नाम नहीं पता, बट वो काफ़ी फेमस है उस साइड। एंड ये पजेरो स्पोर्ट इंसिग्निया दे रखा है, बहुत बड़े से इसमें लोगो है। वैसे तो रिकॉग्नाइजेबल कार है। ओके, दैट्स नाइस। एंड इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है मिनिमम 215 mm है, मतलब 215 mm फ्रॉम द ग्राउंड। ये इसकी की बेसिक की है, एंड इसमें रिमोट लॉकिंग ऑब्वियसली बात है, 25 लाख प्लस की कार में इतना तो हो गई। एंड इसके ये अलॉय व्हील्स जिसका साइज़ है 216/60 R17 inch व्हील्स, ये अपोलो के हैं। ये जो आपको मैं वाइट कलर वेरिएंट दिखा रहा हूँ, इसमें जो एक ड्यूल टोन वेरिएंट भी खड़ा है वो भी आपको मैं शो करूँगा आज। वैसे इसमें ब्लू, ब्लैक, सिल्वर एंड वाइट, ये चार मेन कलर्स आते हैं। इसमें पार्किंग सेंसर्स दे रखे विद रिवर्सिंग कैमरा, और ये पजेरो स्पोर्ट इंसिग्निया दे रखा है। ये मित्सुबिशी का लोगो मुझे काफ़ी बड़ा अच्छा लगता है। वैसे ये फुल फैट 7 सीटर वेरियंट है, ये देखिए इसका लोगो। ये फुल फैट 7 सीटर वेरियंट मैं आपको शो कर रहा हूँ, एंड जिसकी सीट्स फोल्डेबल हो जाती है। आज मैं नॉर्थन मोटर्स जलंधर में आया हूँ, आप इंटरेस्टेड है कार ले सकते हैं। मैं इनके जो सेल्समैन है मैं उनका आपको नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो प्लीज़ उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप गाड़ी के बारे में जान सकते हैं। बाकी जो जो मैं अराउंड में सारे फीचर्स कवर ही कर दूंगा। इसका 70 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी, देखिए ना ग्राउंड से कितनी ऊँची है। मुझको भी थोड़ा सा हल्की सी मुश्किल हो रही थी चढ़ने उतरने में, क्योंकि बहुत ऊँची गाड़ी है, देखिए ना। एंड अच्छा लग रहा है मेरे को ये गाड़ी में, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। इसका 2.5 लीटर 16 वाल्व टर्बोचार्ज VGT, मतलब वेरिएबल ड्यूरेबल ड्राइविंग इंजन दे रखा है, जिसकी पावर है 178 bhp एंड 350 nm का टॉर्क। ओके, ये आप इसके प्रोजेक्टर लैंप्स, फॉग लैंप्स, नीचे से इसमें ग्रिल दे रखी है। ये प्रोजेक्टर लैंप्स जो है हैलोजन प्रोजेक्टर लैंप्स है, ये LED वाले नहीं है। एंड इसके टर्न इंडिकेटर्स दे रखे हैं ORVMs पे, और क्रोम मिरर्स दे रखे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर। एंड जो मैनुअल वेरिएंट आता है फोर व्हील ड्राइव में आता है, या फुल फैट 4x4 वेरिएंट में आता है। एंड जो टू व्हील ड्राइव वेरिएंट है वो ऑटोमेटिक में आता है सिर्फ। ये इसमें स्टेप प्लेट और यहाँ पे थोड़ी सी लाइट दे रखी है थोड़ा सा बेटर लुक के लिए। एंड 1 लीटर कप होल्डर्स, ये बेज अपॉल्स्ट्री जो लेदर में है। ये इसका इंटीरियर, वही रेगुलर चीज़ें सब, स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स देख सकता हूँ, जैसे कि मैं ये 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, आगे थोड़ी सी स्पेस दे रखी है, ऑक्सिलरी एंड USB ब्लूटूथ सब चीज़ें दे रखी है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी रखा, जो ये आर्मरेस्ट है स्लाइडेबल नहीं है, और इसकी सीट्स पीछे भी हो सकती हैं। ये इसके रियर एसी वेंट्स और फैन कंट्रोल्स ऊपर ही दे रखे हैं, और ये इसके सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। रियर वाली में ये हाइट अराउंड 5'10" है, डिसेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैंने सीट्स पूरी पीछे कर रखी है। अगर अब थोड़ा आगे छोटा बंदा बैठा होगा तो और कंफर्टेबल हो पाएगी। और ड्राइवर में इस पर इलेक्ट्रिक पावर सीट्स भी दे रखी हैं। ये देखिए इसका मैसिव ग्लास हाउस, ये वुडन पैनल्स दे रखे हैं और प्रीमियम लुक के लिए आर्मरेस्ट, ये सीट्स फोल्ड हो रखी हैं तो और थोड़ा सा बेटर लुक आ पाएगा, ये आप देख सकते हैं। चलिए आपको इसका ड्राइवर साइड से भी इंटीरियर लुक दिखाते हैं। देखिए कितनी सी वैसी दिक्कत हो रही है चढ़ने में उतरने में, क्योंकि कैमरा होल्ड किया हुआ मैंने, और कहीं डर लगता है गिरे ना। चलिए अब इसके बूट देखते हैं। इसकी मेरे को एग्जैक्ट लीटर्स तो नहीं पता, अराउंड 700 कह सकते हैं, मैं अराउंड कह रहा हूँ। इसका टूल किट और जो इसका स्पेयर व्हील है वो नीचे दे रखा है, अराउंड 700 और लीटर्स होगा इसकी में। और ये इसमें पावर सॉकेट रियर में, और इसका सीट फोल्डेबल मैकेनिज्म बहुत ही ईजी, आपको एक लीवर पुल करना है एंड आपको सीट्स पुश कर देनी, तो बहुत आराम से सीट्स फोल्ड हो जाएंगी। अब इसमें पावर टेलगेट नहीं दे रखा, बट क्योंकि इसकी बाकी सेगमेंट कार्स में दे रखा है, लाइक फॉर्चूनर, एंड्यूवर, टूसॉन में भी दे रखा है, थोड़ा सा होना चाहिए। और एक क्रोम डोर ये देखिए, ये आपको मैं चीज़ दिखा रहा था जो इसमें इलेक्ट्रिक पावर सीट्स है, अभी वो देखिए आपने, ये थोड़ा सा
अब थोड़ा सा बेटर व्यू आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा पहले ना यहाँ पे आ रहा था प्लास्टिक कवर आ रहा था, ये सीट्स थोड़ी पीछे हो गई। एंड अब इसमें पावर फोल्डेबल कंट्रोल्स है, लाइक इसमें मिरर एडजस्टमेंट फीचर, ये इसके ऑटो अप डाउन फीचर फॉर पावर विंडोज़। चलिए अब इसको के इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और इसमें टिल्ट स्टीयरिंग व्हील है, मतलब ऊपर नीचे जाएगा। इसमें टेलीस्कोपिक का भी ऑप्शन नहीं आया है, और ऑटोमेटिक वेरिएंट में पैडल शिफ्टर्स है, सो दैट्स नाइस फॉर मी एज एन ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट। इसके बेसिक्स है, इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा जैसे इनोवा में आता था, और इसकी जो साउंड है वो भी बिल्कुल इनोवा जैसी है, ये आप देख सकते हैं लाइक। और इसमें ये फुल फैट 4x4 वेरियंट है, इसमें कैनवोट का इंस्ट्रूमेंट सिस्टम दे रखा है, एंड इसमें MID और इसमें कंपास, टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह देख सकते हैं। ड्यूल एयरबैग्स आते हैं इसमें, बट आई थिंक इसमें 6 देने चाहिए, क्योंकि अपने सेगमेंट में अब सारे 6 दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें इसका पा गियर्स एंड इसका फुल फैट 4 व्हील ड्राइव सिस्टम, इसके आश ट्रे, थोड़ी सी कप होल्डर्स की स्पेस दे रखी है, हैंड ब्रेक के नीचे थोड़ी सी स्पेस दे रखी है। चलिए इसका भी स्टार्ट करके भी देखेंगे कैसी है कार। स्टार्ट कर रहा हूँ इसे, मैं थोड़ा सा खी फंस गई इसकी, ये देखिए इसका टिल्ट स्टेयरिंग वेल। इससे पहले आपको चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं, और इसके जो राइट साइड में इसके इंडिकेटर स्टॉक्स हैं, लेफ्ट साइड में इसके वाइपर स्टॉक्स हैं, ये स्टार्ट करके देख लिए मैंने। अब शोरूम में है तो थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा ही आ रही है, क्योंकि क्योंकि आवाज़ अंदर गूंजती है। सो ओके, ये देखिए इसके फोल्ड करके देख रहा हूँ मिरर्स, ये फोल्ड हो गए। जिसका सस्पेंशन है वो डबल विशबोन कॉइल स्प्रिंग्स विद स्टेबलाइजर बार है, एंड जो रियर में सस्पेंशन है 3 लिंक कॉइल स्प्रिंग्स विद स्टेबलाइजर बार रियर में। और इसकी ये एक नया फीचर है जो है, इसके IRVMs में एक फीचर है कि लाइक उससे पहले रिवर्सिंग कैमरा, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो उसके इंटरनल रियर व्यू मिरर्स में एक फीचर है, अगर आप कोई लाइट पड़ रही होगी उसके मिरर पे तो ऑटोमेटिकली वो डिम हो जाएगी, तो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपकी आंखों में लाइट्स नहीं पड़ेंगी जब आप रियर में देख रहे होंगे, तो ये एक नेसेसिटी फीचर लगता है। अब आते हैं इसके सुपर सेलेक्ट ड्यूल टोन वेरियंट में, ये इसमें अलॉय व्हील्स जो ब्लैक एंड कर रखे हैं, टेक्निकल स्पेक्स वाइज बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट है, बिल्कुल वही पजेरो है जो जो सामने खड़ी है, बट इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ गया है। सो वो एक इम्पॉर्टेंट चेंज है जो उससे अभी 4x2 वेरियंट में आता है, मतलब 2 व्हील ड्राइव में, जो ये ऊपर गार्ड सा दे रखा है उसके डोर हैंडल्स के ऊपर, वो एक एक्सेसरीज का पार्ट है, स्टैंडर्ड फीचर नहीं है। एंड जो इसकी इल्यूमिनेटेड सेल प्लेट्स रखी है, कंपनी फिटेड पार्ट है जो उसमें आता है आपके लिए, इस पैकेज में आता है। ये है इसके पैडल शिफ्टर्स प्लस माइनस, ये इसका शिफ्टर। बाकी आपको मैं इसकी साउंड सुनाई चुका हूँ, अब इसकी टेस्ट ड्राइव में आज आपको मैनुअल वेरिएंट ही दिखा पाऊँगा, क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएंट अवेलेबल नहीं था उस टाइम। ओके, जो इसकी ब्रेक्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ऑल डिस्क ब्रेक्स हैं, मैं आपको 17 इंच अलॉय व्हील्स बता ही चुका हूँ मैं आपको। और इसका जो टर्निंग रेडियस भी बहुत हल्का है, जो 5.6 मीटर्स है, एंड जो आप इसकी मैं प्रोजेक्टर लैंप सबको दिखाने वाली बात करी थी, ये हैं ऐसे देखते हैं कुछ। बाकी लेंथ फिर ठीक है, बट जो इससे बड़ी गाड़ी आती है लाइक ना फॉर्चुनर और एंडिवर, इससे बड़ी है, पर प्राइस सेगमेंट का भी फ़र्क है। फॉर्चुनर अराउंड 34 और 35 लैक्स ऑन रोड आती है, वे अराउंड ये 30 लैक्स तक की आ जाएगी ऑन रोड। सो थोड़ा सा फीचर्स में तो फ़र्क है ही है, जो जो बेसिक मित्सुबिशी को लगता है वो देने चाहिए वो तो दे रखे हैं, ये सेलेक्ट ब्रांडिंग दे रखी है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, उससे पहले मित्सुबिशी लोगो यहाँ पे दे रखा है, एंड ये सेलेक्ट की बैजिंग, एंड ये ऑटोमेटिक, तो जब बैजिंग है तो पता ही चल जाएगा ऑटोमेटिक आई हुई है। अब इसके आपको टेस्ट ड्राइव में ले चल रहा हूँ, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस है इस कार की। भाई जैसे मैंने आपको बताया 2.5 लीटर डीजल इंजन, जो VGT मतलब वेरिएबल जियोमेट्रिक टर्बो चार्जर, एंड इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन आज मैं ड्राइव कर रहा हूँ। मेरे को वैसे पर्सनली मैनुअल का ज़्यादा पसंद नहीं है, बट स्टिल एज अ ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट मैनुअल गियर इसका बहुत 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 अच्छा तो नहीं है, बट डिसेंट है। सिटी ट्रैफिक कंडीशंस में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि इसका जो गियर थोड़ा थोड़ा सा हार्श है, एंड थोड़ी सी ऊंची गाड़ी है तो थोड़ा सा जो थ्रो है वो थोड़ा सा लंबा है, एंड बाकी NVH लेवल्स थोड़े से कम हैं एज़ कम्पेयर टू इट्स राइवल्स। बट क्योंकि मेरे को लगता है कि थोड़ी सी पुरानी भी हो गई, अपडेट की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
रिफाइंड ओके है, एनविच लेवल्स वगैरह, क्योंकि जो थोड़ी जो आपको याद होगा लाइक पुरानी इनोवा जो आती थी 2013, 14, 15 वेरिएंट जो सीरीज़ आती थी, तो जैसी अराउंड उसकी नॉइज़ होती थी ना, लगभग लगभग उतनी ही इसकी नॉइज़ होगी, एक मोटा मार्जिन आप कह सकते हैं जिसे। बाकी इसकी प्राइसेस मैं आपको बता ही चुका हूँ, सो आप ये अब देख सकते हैं कैसी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है। ठीक है, डिसेंट है, ABS, EBD वगैरह सब दे रखी है इसमें चीज़ें। बाकी ओके, दैट्स नाइस। चलिए जी, गुड बाय फॉर नाउ एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।